ओके, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे और आज आप सीखेंगे कि किस तरीके से एनवायरनमेंट जो है सेटअप करना है अपने वेब पेज एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। ओके, वेब एप्लीकेशन आप शॉर्ट में कह सकते हैं। आज हम देखेंगे कुछ और एग्जांपल्स विकीज के, पॉडकास्टिंग क्या होता है देखेंगे, विजेट किसे कहते हैं देखेंगे, और लास्ट में आज हम पूरा कंप्लीट जो एनवायरनमेंट है सेटअप करेंगे जिससे कि हम अपने वेब एप्लीकेशन डेवलप को स्टार्ट कर पाएँ। ओके, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग थर्ड सेशन में क्या पढ़े थे, मैं शॉर्टली एक बार आपको दिखा देता हूँ। थर्ड सेशन में हमने कवर किया था कि वेबसाइट किसे कहते हैं, वेब पेज किसे कहते हैं, ब्लॉग किसे कहते हैं, विकी किसे कहते हैं, इन सब में डिफरेंस क्या है, इन चीज़ों को हम देखे थे। तो जो लोग ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं वो जा करके सेशन 3 का वीडियो देख लें। ओके, और जो लोग कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं इन सब चीज़ों को वो इसे समझ सकते हैं। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ विकी, सम मोर एग्जाम्पल्स क्या है और एग्जाम्पल्स क्या है विकी के। एक एग्जाम्पल हमने देखा था कि विकिपीडिया पे जाकर के हम देखे थे, राइट। विकिपीडिया पे जो एडिट करने का ऑप्शन रहता है वो हमारे लिए जो है विकी की तरह काम कर रहा है। विकिपीडिया मतलब एक वेबसाइट है विकिपीडिया, लेकिन वही विकी का एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे और भी हैं जो यू नो विकिपीडिया के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि हमने कल ये देखा था, ये सारी चीजें, हाँ ये हमने कल देखा था। एक और एग्जाम्पल आपने सुना होगा IMDb, राइट। IMDb के बारे सुना होगा, ये इंटरनेशनल मूवीज का जो है डेटाबेस है और यहाँ पे सारी चीजें रहती हैं। जो ऑस्कर लेवल के लोग हैं वो लोग यहाँ पे रिव्यू दिए होते हैं और यहाँ पे आपको सुविधा रहता है एडिट करने का। ओके, IMDb के बारे आप सब जानते ही होंगे। ये क्या करता है, ये हमें देता है ऑप्शन जहां पर कि हम डेटा को एडिट कर सकते हैं। ओके, डेटा को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से किसी के बारे में ज़्यादा जानकारी है जो यहाँ पे मिसिंग है मान लीजिए, तो आप क्या कर सकते हैं, उसे एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कभी कभी मिस हो जाती हैं। ओके, मान लीजिए कोई सा भी मूवी हो, उस मूवी में किसी कास्ट एंड क्रू का मिसिंग है या कुछ और मिसिंग है इन्फॉर्मेशन, या आपको वो सब इन्फॉर्मेशन के बावजूद भी उसके परे भी कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको जानकारी है, तो आप वो जानकारी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ओके, ये है उसका मतलब। ओके, उसके बाद क्या है, पॉडकास्टिंग क्या होता है। तो विकी के एग्जांपल के साथ साथ विकी में और क्या क्या चीजें होती हैं। ओके, सिर्फ और सिर्फ आपका जो है IMDb ही नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आप विकी की तरह काम करते हैं। ओके, गूगल को हम सब सोचते हैं एक सर्च इंजन है, बट गूगल के बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं। ओके, जैसे कि गूगल मैप होता है, गूगल मैप में क्या होता है, देखिए आप अपने हिसाब से जाकर के वहां पे चीजों को एडिट भी कर सकते हैं। आप एक न्यू प्लेस को विजिट किए, आप एक नए जगह को गए, उस जगह को जाने के बाद आपको उस आपका वहां का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मान लीजिए आप किसी टेम्पल को जाते हैं, वो टेम्पल में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसी जगह है, कितना अच्छा है, कितना आप रेटिंग करना चाहते हैं, वहां के कुछ नए फोटोज आप वहां पे अपलोड कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, या यूं कहिए कि उसमें एम्बेड कर रहे हैं, या आप उसमें कुछ कुछ चीजें ऐड कर रहे हैं। ओके, तो एक बार सोच के देखिए, हम जो वेब पेजेस बनाते हैं जो स्टैटिक होता है, स्टैटिक वेब पेजेस होते हैं, स्टैटिक वेब पेज में क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन दे दिया गया वही इन्फॉर्मेशन चल रहा है, राइट। लेकिन डायनेमिक जो एप्लीकेशंस होते हैं उसमें क्या होता है, रियल टाइम में डायनेमिक वे में, ओके, यूजर भी उसके साथ इस तरीके से इंटरेक्ट कर पा रहा है कि सोच के देखिए कितना कॉम्प्लिकेशंस आता होगा। ओके, यूजर अपने हिसाब से कुछ डेटा दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हो सकता है वो सेंसिटिव डेटा हो, कुछ ऐसे डेटा हो जो आप नहीं दिखाना चाहो, ओके, कुछ गलत तरीके के डेटा हो, तो इन सब चीजों को मैनेज करना पड़ता है। वेब डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा रिस्क रहता है, एक हेडेक रहता है। ओके, आप जावा में काम कीजिए, आप बैकएंड में काम कीजिए, आप डेटाबेस में काम कीजिए, ज्यादा रिस्क नहीं रहेगा, ज्यादा हेडेक नहीं रहेगा, रिस्क तो नहीं, हेडेक नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। ओके, क्योंकि जब आप वेब डेवलपमेंट पे काम करते हो, आपका क्लाइंट आपके बाजू में बैठेगा, आपका क्लाइंट आपके साइड में बैठ के बोला कि भैया ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, लोगों यहां रहना चाहिए, क्यों, उसके पीछे का लॉजिक उसे नहीं पता कैसे काम कर रहा है, उसे नहीं पता कि आप कितना कोडिंग कर रहे हो, आप कितना उसमें अपना मेहनत कर रहे हो, वो नहीं पता। लेकिन वो देख सकता है यूजर इंटरफेस, क्योंकि आप बना रहे हो, क्योंकि आप ऐसा चीज बना रहे हो जो उसे नजर आएगा। वेब डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, यूआई डेवलपमेंट, यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस मतलब जिसे हम देख सकते हैं, यूजर देख सकता है। तो क्लाइंट क्या करते हैं, कई मरतबा ऐसा होता है क्लाइंट
आपके सामने आकर के बैठेंगे और बोलेंगे कि ये लोगो यहाँ रहना चाहिए, मुझे इस तरीके का यू नो फोटो चाहिए, ये फोटो घूमते रहना चाहिए, ये फोटो जूम होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ऐसा लगेगा जैसे आप कोई हॉलीवुड की कोई एक फिल्म बना के दे रहे हो उन्हें, और आपको करना पड़ेगा क्योंकि वो चीज उसे नहीं पता, उसके पीछे कितना टेक्नोलॉजी हो रहा है वो नहीं पता, क्योंकि वो देख सकते हैं बनते हुए, वो बोलेंगे कि हमें इस तरीके से चाहिए। तो ये एक हेडेक रहता है यूआई डेवलपर्स को, ये डील करना पड़ता है, इस तरीके के सिचुएशन को टैकल करना पड़ता है अपने कस्टमर्स का। लेकिन यही चीज अगर मैं बात करूं जाकर के जावा के बारे या फिर किसी भी ऐसे बैकएंड जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे, तो वहां पे उन्हें पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप बना भी रहे हैं, मान लीजिए आप बना भी रहे हैं, कस्टमर आपके बाजू में बैठे भी हैं, तो आपको अगर वो पूछते हैं आपको कि आप क्या करो, नहीं मैं इंटरफेस में लिख रहा हूं, पैकेज बना रहा हूं, क्लास डिजाइन कर रहा हूं, उनको कुछ समझ में आएगा नहीं, सिर्फ आपको टेक्स्ट लिखना है, वहां वहां तो एक फोटो तक नजर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ कोडिंग है, तो वो उनके बस की बात नहीं है क्योंकि वो नहीं जानते वो चीज। तो वहां पे आपको सवाल नहीं करेंगे कि ऐसे करो वैसे करो, सजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब आप यूआई पे डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पे आपको हेडेक हमेशा रहता है। ये रियल टाइम की बात कर रहा हूं मैं, रियल टाइम में क्लाइंट साइड से सजेशन आपको बहुत आएंगे यूआई डेवलपमेंट में। आप थोड़ा सा बना के भेजोगे या आपका बनाते हुए देख रहे हैं तो वो सजेस्ट करेंगे, ये लोगो जो है इस तरीके से नहीं रह सकता, ये लोगो यहां नहीं रह सकता, ये टेक्स्ट इस तरीके से फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो चाहेंगे, वो उनका अधिकार भी है और उस चीज को पूरा करना आपका कर्तव्य भी है, ड्यूटी है। ओके, सो दिस इज द रियलिटी। एनीवे, तो हम पहुंचते हैं यहां पे, हम लोग कहां थे कि ये हो जाता है आईएमडीबी का एक वेबसाइट। ओके, आईएमडीबी की वेबसाइट में देखिए यहां पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। इसे क्यों मैं कह रहा हूं कि ये विकी है, विकी का डेफिनेशन मैंने क्या दिया था और क्या है समझाया था, ये आपको तब समझ में आ जाएगा जब आप जाकर के वहां पे जो है लास्ट सेशन जो है वो देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो इनमें से किसी एक मूवी जो फीचर मूवी है उसे क्लिक करते हैं। वंडर वूमन है शायद, वंडर वूमन या कैप्टन मार्वल, क्या है। ओके, जो नेट स्लो होने की वजह से थोड़ा लेट हो रहा है, तब तक हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे विकी के बारे, तो विकी में क्या होता है, जिन चीजों को हम एडिट कर सकते हैं जिस वेबसाइट में, वो हमारे विकी के लिस्ट में आ रहे हैं। ओके, उनमें से आईएमडीबी होता है, उनमें से आप यू नो विकिपीडिया, खुद विकी जैसा आपको इंटरेक्ट कर रहा, वहां पे आप एडिट करने का ऑप्शन आता है अगर आप लॉगिन वगैरह करेंगे तो। साथ ही साथ गूगल मैप आप एग्जांपल ले सकते हो, गूगल मैप क्या होता है, वहां पे जाकर के आप अपने तरीके से डेटा दे रहे हैं। ओके, अपने तरीके से डेटा दे रहे हैं तो उसी डेटा को वो शो भी कर रहा है। ओके, तो ये जो चीजें होती है विकी का काम होता है। पॉडकास्टिंग कितने लोगों ने सुना, पॉडकास्टिंग क्या होता है, पॉडकास्टिंग क्या होता है, क्योंकि चल रहा है बहुत ज्यादा वर्ड पॉडकास्टिंग चल रहा है आजकल, एक साथ वीडियो और ऑडियो। ओके, वीडियो ऑडियो को अगर आप कहीं पर यू नो एक साथ शेयर कर रहे हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां शेयर कर रहे हो, तो वो पॉडकास्टिंग में जाएगा। लेकिन इसमें फर्क इतना है क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह है जहां फोटो वीडियो अपलोड कर सकते हो, राइट, फोटो वीडियो अपलोड कर सकते हो, ऐसे बहुत जगह है, फोटो वीडियो देख सकते हो, ऐसे बहुत सारी जगह, ऑडियो और वीडियो आप अपलोड कर पाओ एक साथ ऐसे भी बहुत जगह, और ऑडियो और वीडियो आप एक साथ अपलोड कर पाओ ऐसे भी बहुत जगह है। बट पॉडकास्टिंग क्या होता है, आपने सुना होगा आईपॉड के बारे, राइट, आईपॉड के बारे सुना होगा। ये क्या था आईपॉड, ये जब मार्केट में आया था तो काफी ज्यादा यू नो बूम कर गया था, बहुत अच्छे तरीके से चला था आईपॉड। क्यों चला था, देखिए पॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है, यहां पे पॉड का मतलब पॉडकास्टिंग है। ओके, पॉड का मतलब होता है आप एक डिवाइस में देख रहे हैं, साथ ही साथ आप उसी डिवाइस से किसी और डिवाइस में उसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, इट मींस लॉन्च कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल पे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए मैं अपने फोन में, ओके, मान लीजिए मैं अपने फोन में एक यू नो वीडियो देख रहा हूं यूट्यूब पे, यूट्यूब मुझे एक फीचर देता है पॉडकास्ट करने का कि वही जो वीडियो है मैं उसे अपने स्मार्ट टीवी में पॉडकास्ट कर सकता हूं अगर मेरे दोनों डिवाइसेस किसी एक नेटवर्क पे कनेक्टेड है। इट मींस अगर मेरे वाईफाई में, अगर मेरे वाईफाई में मेरा फोन और मेरा स्मार्ट टीवी, घर का जो स्मार्ट टीवी है, वो दोनों कनेक्टेड है, तो फिर मैं अपने यूट्यूब में देख रहे वीडियो को जो कि मोबाइल में चल रहा उसे मैं अपने टीवी में पॉडकास्ट कर सकता हूं। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, अमेजॉन प्राइम ये देता है, नेटफ्लिक्स देता है, राइट, स्पॉटिफाई पे अगर कोई गाना सुन रहे हैं, ओके, या फिर सावन पे आप कोई गाना सुन रहे हैं, वो क्या होता है, आप उसे पॉडकास्ट कर सकते हो अपने किसी ब्लूटूथ डिवाइस में, घर में कोई
जो ब्लूटूथ डिवाइस होगा, स्पीकर वगैरह होगा, तो आप उसमें पॉडकास्ट कर सकते हैं। ये फीचर हम ऐड करते हैं, बट इसका मतलब क्या है आपको पता नहीं होता है, कई लोगों को पता नहीं होता, कुछ लोगों को पता भी होता है। ओके ठीक है, आई थिंक ओके। सो यहां पे आप जाकर के देखना, अभी नेट स्लो होने की वजह से ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम होगा। सो IMDB भी क्या करता है, IMDB में इतने सारे डेटा कहां से आते हैं, इतने सारे डेटा कलेक्शन कहां से होते हैं, क्योंकि यहां पे खुद जो है अलग अलग जगह से लोग अपने डेटा को सजेस्ट कर रहे हैं, जितनी जानकारी उनको पता है वो वहां पे सजेस्ट कर रहे हैं और वो ऐड होता जा रहा है अगर वैलिड डेटा है तो, इसलिए वो भी एक विकी होता है। गूगल में आप जाकर के देखेंगे, गूगल में आप बहुत सारी चीजों को ऐड कर सकते हैं अपने तरीके से, और उसे फिर गूगल फीचर करता है या फिर शो करता है जब आपका डेटा वैलिड होता है। ओके ठीक है, तो पॉडकास्टिंग क्या हो गया, पॉडकास्टिंग जहां ऑडियो वीडियो को आप क्या करते हैं एक डिवाइस से दूसरे कनेक्टेड डिवाइस में आप पॉडकास्ट करते हैं, शेयर करते हैं। इट मींस अगर मेरे यूट्यूब में, अगर मैं अपने मोबाइल के यूट्यूब में कोई वीडियो देख रहा हूं, उसी वीडियो को अगर मैं अपने स्मार्ट टीवी में पॉडकास्ट करता हूं, तो वो वीडियो दोनों जगह चलने लगेंगी, एक मेरे मोबाइल में और दूसरा मेरे स्मार्ट टीवी में, तो वो होता है पॉडकास्टिंग। ओके विजेट क्या होता है, क्योंकि ये चीजें हमको सीखनी पड़ेंगी, हम ऐसे वेबसाइट ऐसे एप्लीकेशन बनाएंगे जो पॉडकास्टिंग का फीचर दे रहा हो, जहां विजेट हो, जो विकी की तरह काम करे। एक बार सोच के देखिए, आपको सिर्फ स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए, मतलब आप एक कुछ लिख लेते हो और एक डिजाइन कर लेते हो और उसे आपको लॉन्च करना है, इतना करने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ता है। ओके उसे चेंज करने के लिए, आपको अपडेट करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, बट हम एम कर रहे हैं एक ऐसे वेबसाइट बनाने का जिस वेबसाइट में कि जिस वेबसाइट में कि आप एडिट करने का ऑप्शन दो अपने यूजर्स को, वो कंटेंट को आप रियल टाइम में वैलिडेट करो कि वो जो एडिट करके इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो ठीक है या नहीं, सेंसिटिव डेटा तो नहीं है, कुछ ऐसे डेटा तो नहीं है जो यूजर्स को नहीं दिखाना चाहिए, उतना सब कुछ वेरीफाई होने के बाद वो डेटा शो हो और आपका वेबसाइट ऑटोमेटिकली चेंज होकर के उस डेटा के साथ एडजस्ट होकर के वो अपने कंटेनर में उसे दिखाए, तो किस लेवल का एप्लीकेशन होगा वो सोच के देखिए। ओके ठीक है, तो आते हैं विजेट की ओर। ओके विजेट क्या होता है, सी विजेट एक छोटा छोटा वेब गैजेट्स होता है। विजेट का फुल फॉर्म क्या होता है, वेब गैजेट्स होता है। यहां पे अगर मैं एग्जांपल दे देता हूं, जो पढ़ा रहे हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं। एग्जांपल क्या होता है इसके, सम मोर एग्जांपल्स ऑफ विकी। विकी के और क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, मैं हम लोग पहले देखे विकीपीडिया, क्या देखे पहले विकीपीडिया, उसके बाद हम लोग चले गए आईएमडीबी, उसके बाद हम कहां चले गए, गूगल मैप भी था। और पॉडकास्टिंग में हम लोग कहां चले गए, पॉडकास्टिंग के क्या क्या एग्जांपल हो गए सर, पॉडकास्टिंग में यूज हो रहा है, यूट्यूब भी एक पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है, ये हमें दे रहा है अमेजॉन प्राइम। उसके बाद और क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, उसके साथ साथ और क्या है, सावन, उसके साथ साथ ये अभी जियो सावन कुछ हो गया, ये फिर सावन, फिर उसके साथ साथ क्या है यहाँ पे स्पॉटिफाई भी है, कुछ ऐसे ऐसे हैं एप्लीकेशन बहुत सारे, ATC पे रखता हूँ मैं। ओके यहाँ पर भी सिर्फ ये तीनों ही नहीं है, बहुत सारे और भी हैं। ओके ये दो चार एग्जाम्पल देने पर आप समझ जाएंगे और उसके कैटेगरी आप निकाल सकते हैं। सो What is widget? Widget क्या होता है? Widget actual में होता है these are web gadgets. Okay. Web gadgets. Gadgets क्या होता है सर? आजकल जो भी आपके पास technological चीजें होती है वो gadgets होता है। आपके mobile एक आपका gadget है, आपका smart watch, आपका बहुत सारी चीजें जो आप यूज करते हैं, ये सारे आपके gadgets में जाते हैं। तो web के लिए क्या gadget है? Web मतलब एक जो एक एप्लीकेशन या एक वेबसाइट हम विजिट कर रहे हैं उसमें भी गैजेट रहता है। तो इसका एग्जांपल क्या होता है, गैजेट क्या होता है, इसे भी जो है हमें डेवलप करना होता है। ये किस लैंग्वेज में डेवलप होगा, ज्यादातर जेक्वेरी में होगा। ओके एजेक्स का यहाँ ज्यादा यूज होता है। ये चीजें क्या है आप आगे जाकर के जाएंगे, आगे जाकर के सीखेंगे कि जेक्वेरी क्या है, एजेक्स क्या है, ये सारी चीजें क्या है आप समझोगे इसे। बट अभी के लिए हम समझते हैं कि ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं गैजेट्स हैं, ये क्या काम आती है। ये एक ऐसी चीज है जो आपको इंफॉर्मेशन देता है बिना किसी वेबसाइट में जाए, मतलब आप वेबसाइट में जाने से पहले ही या वेबसाइट में बिना जाकर ही
वेबसाइट में जाए बिना ही आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हो। जैसे कि मैं वेदर अगर चेक करता हूं, ओके, वेदर अगर मैं चेक करता हूं, देखिए, तो मैंने सिर्फ वेदर लिखा और यहां पे क्या आ गया सर, ये एक गैजेट आ गया, राइट, एक गैजेट आ गया, ओके, इसे बोलते हैं विजेट, इसे बोलते हैं विजेट, ये वेब का गैजेट है। इट मींस ये वेब में एक गैजेट है, आपको किसी वेबसाइट में जाकर के क्लिक करके आपका एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। आप बस वेदर लिखेंगे तो ये हो सकता है आपको यहाँ पे आपका लोकेशन वगैरह मांगे ताकि वो आपको और अच्छे से सर्व कर पाए, एग्जैक्ट लोकेशन में कितना टेम्परेचर वगैरह दिखा पाए। बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि वेदर एक यहाँ पे ये जो बना हुआ है, ये जो चीज है, ओके, ये जो चीज है आपको कंप्लीट जो यहां से यहां तक दिख रहा है, ये एक विजेट है। विजेट का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन के लिए एक गैजेट है, ओके। इसके जगह आप मान लीजिए करेंसी कन्वर्टर यूज करते हैं, ओके, करेंसी कन्वर्टर, ओके, तो ये भी एक तरीके का क्या हो गया, विजेट हो गया, क्योंकि यहां पे आप जो भी एंटर करोगे इंडियन रूपी वो कन्वर्टेड हो जाएगा यूएस डॉलर में, ओके, सो ये भी एक विजेट हुआ। विजेट का मतलब होता है एक ऐसे एप्लीकेशन या फिर एक ऐसा तरीके का एक गैजेट जो कि वेब एप्लीकेशन के लिए बनाया गया हो। इसे बनाना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसके लिए आपको जेक्वेरी जानने की जरूरत है जिसमें लॉट्स ऑफ एजेक्स वी विल यूज, ओके, सो दिस आर गोइंग टू बी हायर लेवल एप्लीकेशन दैट वी हैव टू डेवलप, ओके, वी हैव टू लर्न अबाउट दिस, बट नाउ इन द बिगिनिंग यू विल नॉट बी एबल टू कैच दिस काइंड ऑफ यू नो कॉन्सेप्ट्स, ओके, तो हम स्टार्टिंग में जाएंगे, वेब पेजेस एप्लीकेशंस वगैरह बिल्ड करेंगे, उसके बाद हम इन सब चीजों को जाएंगे, ओके, तो जरूरी नहीं कि ये जो यहाँ फ्रंट में आता है वही चीजें जो है आपको यू नो आप उसे ही विजेट समझे, ऐसा नहीं होता। मैं आपको एप्लीकेशन का अंदर में भी होता है कुछ, HDFC में दिखाता हूँ, मान लीजिए HDFC में चले जाते हैं तो HDFC का जो बैंक है, देखिए HDFC का बैंक में जाने के बाद आपको बहुत सारे वहां पे विजेट दिखाएंगे जो कि उन लोगों ने बना करके रखा है अलग अलग पर्पोज के लिए, ओके, अलग अलग पर्पोज के लिए अलग अलग तरीके का विजेट्स वो लोग बना करके रखे हैं, ओके। तो विजेट्स का मतलब अभी तक आप क्या समझ गए, एक ऐसा गैजेट जो कि वेब एप्लीकेशन के लिए बनाया गया हो, ओके। वेब एप्लीकेशन मतलब क्या है, हमारे वेबसाइट्स वगैरह जितने हैं वो वेब एप्लीकेशन है। जिनको ये टर्म्स नए लग रहे हैं, जिनको ये शब्दों को समझने में मुश्किल हो रहा है, वो पहले के 3 सेशन जाकर के देखिए, ये डायरेक्टली 4 सेशन देखने से आपको कुछ भी सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ओके। तो आप यहां नीचे चले जाइए, नीचे चले जाइए, देखिए यहां पे बहुत सारे आपको जो है विजेट्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर्सनल लोन ईएमआई कैलकुलेटर, ओके, कार लोन ईएमआई कैलकुलेटर, टू व्हीलर ईएमआई कैलकुलेटर, ये जो कैलकुलेटर्स वगैरह ये क्या है सर, मैं अगर इसे क्लिक करता हूँ, पर्सनल लोन पे क्लिक करता हूँ, देखिए, तो पर्सनल लोन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे एक अलग इंटरफेस देखने को मिलेगा। उस इंटरफेस में एक विजेट का यूज किया गया होगा, जिस तरीके से वेदर के लिए हम लोग सिर्फ वेदर लिखने पर वो फ्रंट में आ जा रहा है, ठीक उसी तरीके से HDFC बैंक में भी, या आप किसी भी बैंक में जा सकते हैं जिसने ये यू नो डेवलप किया हो या इस तरीके का कुछ बनाया हो, तो वहां पे विजेट यूज होता है, ओके, विजेट यूज होता है क्योंकि वहां पे बहुत अच्छे तरीके से डेटा को शो किया जा सकता है। बट इसे बनाना मुश्किल होता है। हम अभी एक जो है व्यूअर की तरह देख रहे हैं, ओके, एक यूजर की तरह देख रहे हैं जो कि यूज कर रहा है इन सब फैसिलिटी को। अगर आप खुद को एक डेवलपर की ओर ले जाएं और देखें तो आपको समझ में आएगा कि इसको बनाना कितना कॉम्प्लिकेटेड होता होगा, ओके। देखिए यहां पर ये जो है ये क्या है सर, ये है एक विजेट, ये जो यहां से एक यू नो डिवीजन स्टार्ट हो रहा है, डिवीजन क्या होता है, आई फ्रेम क्या होता है, ये सारी चीजें हम आगे जाकर के सीखेंगे, ओके। अमाउंट यहाँ पे आप देखिए एक आपको जो है एक बार दिया गया है, ओके, उस बार के थ्रू आप यूज कर सकते हैं, ओके, यहाँ पे देखिए आप इसके द्वारा इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ से ऐसे इंटरेस्ट वगैरह कर सकते हैं, फिर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको इसका जो है रिजल्ट यहीं पे सामने नजर आएगा, ओके, ये उसका हो गया रिजल्ट, इतना मुझे पर मंथ मिलेगा और ये सारी चीजें उसके अकॉर्डिंगली मैप वगैरह दी गई है। ये डेटा को लेकर के रियल टाइम में यहाँ पे आप जो डेटा एडिट कर रहे हैं उसी डेटा को लेकर के रियल टाइम में वो हमें क्या कर रहा है, यहाँ पर हमको डेटा शो कर रहा है। तो ये होता है विजेट्स, ओके, विजेट्स का मतलब क्या हो जाता है, वेब में होने वाले यूज होने वाले एप्लीकेशन जिसे हम कहते हैं विजेट्स, वेज में जो वेब एप्लीकेशन में यूज होता है गैजेट्स उसे हम कहते हैं विजेट्स। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके, जैसे कि बहुत सारी चीजें यहाँ एप्लीकेशन में क्या हो, एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे कि वेदर चेक, ओके, उसके बाद क्या है, आप कैलकुलेटर यूज किए, जैसे कि BMI कैलकुलेटर हो गया, BMI कैलकुलेटर, और मैंने EMI चेक किया था, ओके, ये BMI मैंने लिखा, BMI भी एक कैलकुलेटर होता है, आप लोगों को पता होगा आपके बॉडी के मेजरमेंट के लिए
कि आप कितने हेल्दी हैं या ओवरवेट हैं या ये सारी चीजें वो आपको पता होगा। तो जरूरी नहीं कि छोटे बच्चों की तरह जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका एग्जाम्पल दूँ, कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिसे आप आगे जाकर के टेस्ट भी कर सकते हैं, खुद इसे चेक कर सकते हैं कि BMI कैलकुलेटर क्या होता है, आपको आपके खुद के फिटनेस के बारे में पता चल जाएगा। ओके, सो वेदर का हो सकता है, BMI कैलकुलेटर हो सकता है, और करेंसी कन्वर्टर हो सकता है, करेंसी कन्वर्टर होता है, ETC पे रखते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ओके, इसे यूज करने के लिए, इसे बनाने के लिए क्या लगता है, वी नीड गुड नॉलेज इन jQuery। ओके, jQuery ये क्या होता है जाएंगे साहब बाद में जाकर के देखेंगे, jQuery जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे Ajax का। ओके, ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा आपके लिए, इतना रहने देते हैं। ओके, सो विजिट्स मतलब क्या हो गया, विजिट्स का मतलब हो जाता है ऐसे गैजेट जो कि वेब एप्लीकेशन के लिए डेडिकेटली बनाए गए होते हैं, जिनको बनाने के लिए हमें jQuery का यूज करना पड़ता है। ओके, उसके बाद यहां पे हमारे सबसे मेन पॉइंट पे हम आते हैं कि कंप्लीट एनवायरमेंट। ओके, कंप्लीट एनवायरमेंट हम किस तरीके से सेटअप करेंगे हमारे वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए। ओके, ये तो बेसिक में जा रहा था, ये कल के टॉपिक्स में कॉन्केट हुआ था या ऐड हुआ था समझ लीजिए, आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है। ओके, किस तरीके से हम एनवायरमेंट सेटअप करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है, ओके, मैंने आपको पहले ही कहा है कि हम वो नोटपेड में जाकर के, जैसे यहां पे ये यूज कर रहे हैं, नोटपेड में जाकर के कुछ कमेंट्स वगैरह लिख करके उसको सेव करेंगे एक जगह। ओके, उसे फिर कंपाइल करने के लिए कहीं और जाएंगे, आउटपुट देखने के लिए कहीं और जाएंगे, ये सारी चीजें नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरीके से आप इंडस्ट्री में काम नहीं करते, कंपनी में काम नहीं करते। मैं आपको सिर्फ वही चीजें सिखा रहा हूं जो एक्चुअल में आप रियल टाइम में काम करेंगे प्रोजेक्ट बनाते वक्त। अगर आपका प्रैक्टिस होगा सर, आपको लिखना होगा नोटपैड में और उसे सेव करना होगा HTML फाइल में, उसे जाकर के रन करना होगा अपने वेब ब्राउजर में, ये सारी प्रोसेस अगर आप सीख रहे हो, इन सब चीजों को अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप IDs का यूज कैसे करेंगे, आप एडिटर्स का यूज कैसे करेंगे, आप उसके साथ फैमिलियर नहीं होंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जिस चीज में आपको परफॉर्म करना है उसी चीज में आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, सो हम प्रैक्टिस करेंगे हमारे एडिटर्स में, बहुत सारे एडिटर्स हैं, ये क्या करेगा, ये हमारे टाइम बचाएंगे। ओके, और हमें बहुत सारे चीजों का जो है फैसिलिटी देंगे। बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि अगर आप स्टार्टिंग में एडिटर्स में सीखते हैं तो आपका प्रैक्टिस नहीं होता है, चीजें जो है आपको समझ में नहीं आएंगी, आप डिपेंड करेंगे एडिटर्स पे। ओके, आप डिपेंड करेंगे एडिटर्स पे, एडिटर जैसे काम कर आप वैसे करेंगे। सर, सच्चाई ये है कि एडिटर भी आपको वही करके देगा जो आप उसे कमेंट करेंगे, है ना, आप जो लिखेंगे एडिटर बस उसे मदद करता है, कभी कभी फॉन्ट वगैरह जो है संभाल लेता है, कभी अलाइनमेंट वगैरह संभाल लेता है, ये सारी चीजें होती है। आज तक ऐसा एडिटर कोई नहीं बना पाया होगा जहां पे यूजर कुछ भी इनपुट ना दे और वो पूरा का पूरा प्रोग्राम कर ले। ओके, ये ChatGPT वगैरह जो है ये स्टैटिक डेटा दे रहे हैं, इनके बारे जो इतनी बातें हो रही है, ये रिप्लेस नहीं कर सकता ह्यूमन बींग के इंटेलिजेंस को। स्टैटिक डेटा दे रहा है, क्या डायनेमिक डेटा दे पा रहा है? नहीं। रियल प्रोजेक्ट में क्या यूज होता है? डायनेमिक डेटा, मतलब यूजर के अकॉर्डिंगली डेटा चेंज होना चाहिए, वो नहीं कर सकते कंप्यूटर्स। बहुत सारे हायर लेवल में जो साइंटिफिक कंप्यूटर वगैरह यूज हो रहे हैं, जहां AI का यूज हो रहा है, वो सारी चीजें कर सकते हैं, बट ये ChatGPT ऐसी चीजों के लिए ये सब इतना मुमकिन नहीं है। तो घबराने की जरूरत नहीं, कुछ लोगों को लगता है जो रेसेशन चल रहा है अभी, ओके, मार्च अप्रैल तक जो चलने वाला है उसमें बहुत सारे इंजीनियर्स को जो है निकाल दिया गया, ये वो, ये जो चीजें हैं ये मैनेजमेंट लेवल पे हो रहा है, खास करके मैं बता दूं, अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें जो हुआ है ये फंडिंग को लेकर के हुआ है। ओके, ये जो ये सारी चीजें जितने हुई हैं ये पैसे के रिलेटेड हैं, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड नहीं है, ये फिनेंशियली जो जो कनेक्टेड हैं ये फिनेंस की बातें होती है, टेक्नोलॉजी की बातें नहीं होती। मैनेजमेंट लेवल में बहुत लोगों को निकाला गया है, कुछ देखा गया है, ये सच्चाई है कि कुछ इंजीनियर्स जो ऐसे हैं जो डेवलपर्स हैं या सॉफ्टवेयर फील्ड के, उनको निकाला गया है, मगर क्या आपको इतना यकीन नहीं है खुद पे कि आप उन लिस्ट में नहीं आओगे? इतना तो यकीन होना चाहिए, आप इतने अच्छा खुद को बना सकते हो कि आप उस लिस्ट में ना हो, क्योंकि एक सिंपल सी बात मैं बताता हूं, आप जिस कंपनी के बारे में सुनो, क्या उस कंपनी में जितने एम्प्लॉइज थे सबको निकाल दिया गया? 5% 10% 20% निकाला गया होगा, बाकी 80% 70% तो वहां है अभी भी, वो लोग क्यों रह पाए, उनको क्यों नहीं निकाला गया? बिकॉज दे हैव
दैट मच स्किल नॉलेज दे आर प्रोवाइडिंग यू नो इनकम टू दोज कंपनीज. व्हाई वुड द कंपनी वांट देम टू यू नो उनको निकालने के लिए सोचेगा, या क्यों ऐसा सोचेगा ही क्योंकि उनको निकालना है, जबकि कंपनी को उनसे प्रॉफिट हो रहा है, वो इस काबिल है कि प्रॉफिट बना करके दे पाए. सो ये एक कॉमन सेंस होता है. मान लीजिए 11 लोग हैं, 11 लोगों में से सिर्फ 10 लोगों को ही रखा जा सकता है, एक को निकलना ही है. मान लीजिए ऐसे लिमिटेशंस होंगे, क्योंकि दिमाग में आपका अगर सर ऐसा सिचुएशन हो गया कि कंपनी रख नहीं सकता, वरना हम भी टैलेंटेड हैं. ठीक है, मैं मानता हूं इस बात में भी सच्चाई है, कंपनी को 10 ही जो है 10 ही इंजीनियर्स रखने हैं और आप हैं 11 नंबर वाले, ये आपके साथ मिलाकर के 11 इंजीनियर्स हैं और कंपनी को सिर्फ 10 इंजीनियर जो है अपने कंपनी में अभी फिलहाल रखना है, ये मजबूरी है. अब आप ये मुझे बताइए कि आप वो 10 इंजीनियर्स में से क्यों नहीं आ सकते. आप बोलेंगे कि नहीं सर, वो 10 इंजीनियर्स में तो उनके रिलेटिव्स हैं सारे के सारे, कोई दोस्त है, कोई दोस्त का भाई है, कोई मामा चाचा है, तो कोई मामा चाचा का भाई ये वो रिलेटिव्स है, इसलिए वो 10 को रखे, हमें नहीं निकाले. तो यहां बात आ जाती सॉफ्ट स्किल की. सर मैं घुमा फिरा के आपको ना बता ही दूंगा कि आपको उस काबिल बनना है बोल के, ओके, रियल टाइम का वो एक्सपीरियंस रहा है हमें. आपके पास सॉफ्ट स्किल क्यों नहीं है? सॉफ्ट स्किल मतलब आपका जो कम्युनिकेशन है या आपका जो बॉन्डिंग है उस कंपनी के साथ, आपका जो एक फीलिंग उस कंपनी के साथ जुड़ा होना चाहिए या उस कंपनी का फीलिंग आपके साथ जुड़ा होना चाहिए, जो रिलायबिलिटी वो कंपनी आपके साथ फील करनी चाहिए, वहां के जो मैनेजमेंट है आपको जितने यू नो क्लोज समझना चाहिए वो क्यों नहीं समझे? आप जब तक काम किए उस अंदर में आपने ये सॉफ्ट स्किल को यूज क्यों नहीं किया? आप उस कंपनी की ऑथोरिटी के साथ या मैनेजमेंट के साथ या वहां के स्टाफ के साथ या कुलीग के साथ उस तरीके का रिश्ता क्यों नहीं बना करके रखा? उतने अच्छे तरीके से बॉन्डिंग क्यों नहीं बनाई जिसकी वजह से वो अपने यू नो किसी रिलेटिव्स को भी निकालने को तैयार हो जाए मगर आपको खोने से डरे? सिंपल सी बात है. You must have soft skill also, sir. In IT industry, there are two things. From the very beginning, I am repeating these two things. One, your logical thinking capability. The second one is communication skill. In this one category, communication skill, there are lot of things. आपका soft skill इसमें जाता है, बात करने का तरीका, आपके behavior, आपकी personality, आपकी grooming, ये सारी चीजें इसमें जाती हैं. When you are into the corporate world, you have to maintain all these things. Okay, when you are in the spiritual world, you have to show your character. But in this corporate world or IT industry, there are no people or no one is worried about your character, what you are inside. What is the difference between character and personality? इसे दो मिनट देते हैं क्योंकि ये important है. Okay, ये session से मैं हट नहीं रहा हूँ या फिर subject से अलग नहीं जा रहा हूँ, but important चीज़ें इसलिए share कर रहा हूँ. So what is the difference between character and personality? कैरेक्टर की अहमियत होती है उस जगह पे जहां स्पिरिचुअलिटी आती है, जहां पे ह्यूमैनिटी आती है, जहां पे लोगों का बॉन्डिंग आता है, जो आपको कनेक्ट होते हैं दिल से. बट पर्सनैलिटी कहां आपको दिखाना पड़ता है? जहां पे लोग आपको जज करते हैं, जहां पे लोगों का अपीयरेंस जो होता है मैटर करता है, लोगों का स्टेटस मैटर करता है. सो बेसिकली डिफरेंस क्या होता है सर? पर्सनैलिटी वो है जो आप लोगों को दिखाते हैं, कैरेक्टर वो है जो आप अकेले होने पर जो काम करते हैं, जब आपको कोई नहीं देख रहा होता है तब जो आप करते हैं वो आपका कैरेक्टर है, जिसके बारे सिर्फ आपको पता होगा और भगवान को पता होगा. जब आपको देखने वाले सैकड़ों लोग हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, आपको पता है कि लोगों की नजर आप पे है, तब आप जो बिहेव करते हो, तब आप जो काम करते हो, दैट इज योर पर्सनैलिटी, दिखा रहे हो आप लोगों को क्योंकि वही चल रहा है. ओके, लेकिन आपका कैरेक्टर क्या है सर? जब आपको कोई नहीं है देखने वाला, तब आप एक्चुअल में क्या करते हो, ये डिफाइन करता है कि आपका कैरेक्टर क्या है. ओके, सो एनीवे, ये सारी चीजों को आपको ध्यान देना है. आप देखेंगे कि किस तरीके से आप जो सॉफ्ट स्किल का भी यूज करें ताकि इंडस्ट्री में या फिर आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहां पर आपका जो है बॉन्डिंग अच्छे से बन के रहे. ओके, ठीक है, टॉपिक पे आते हैं. कंप्लीट एनवायरमेंट सेटअप. एनवायरमेंट किस तरीके से हम लोग सेटअप करेंगे जिसके वजह से कि हमें यू नो हमें एक बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से
वेब डेवलपमेंट की और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की ओर जाएं और प्रैक्टिस कर पाएं। तो इसके बहुत सारे यू नो पॉइंट्स होंगे। पहला पॉइंट में क्या होगा, हमको यू नो डाउनलोड करना होगा Node.js। ओके, क्या करना होगा, क्या है ये चीजें मैं बताता हूं आपको। डाउनलोड एंड इंस्टॉल Node.js। क्या सर? Node.js। ओके, ये क्या है, इसे क्यों हम लोग डाउनलोड करें। Node.js अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको दो चीजें मिलती हैं, एक सर्वर साइट और दूसरा पैकेज मैनेजर। ये दोनों चीजें क्या है मैं आपको बताता हूं। ओके, हम चले जाते हैं हमारे MS Paint की ओर। ओके, सो मैं डाउनलोड किया, मान लीजिए मैं डाउनलोड किया Node.js। क्या डाउनलोड किया सर? Node.js। Node.js डाउनलोड करने के बाद मुझे दो अलग अलग चीजें यहां पे प्राप्त होंगी। ओके, क्या क्या मिलेंगी? दो अलग अलग चीजें मिलेंगी। पहला चीज क्या होता है, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। क्या मिलेगा? सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। ओके, इसमें क्या होगा, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी क्या होता है सर? सर्वर साइड मतलब ये हमें इस तरीके का एक सर्वर प्रोवाइड करेगा जहां पे हम अपने डेटा को या अपने जो वेब एप्लीकेशन है उसे रन कर पाएं या फिर दिखा पाएं। ओके, सिंपल से समझते हैं इसको, जब यूज करेंगे तब समझ में आ जाएगा। आज ही ये सारी चीजें हम देखेंगे, एक इस सेशन में ही आपको कंप्लीट क्या क्या चीजों को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रखना है और उसके बाद हम HTML पेज डिजाइन करना शुरू करेंगे, ये मैं बता रहा हूं। दूसरा हमें मिलता है पैकेज मैनेजर। क्या मिलता है सर? पैकेज। पैकेज क्या होता है? ओके, सो पैकेज मैनेजर क्या है? पैकेज मैनेजर सर एक ऐसी चीज है जो आपके सारी चीजों को खुद मैनेज करके रखता है। जैसे कि जब हम बूटस्ट्रैप यूज करेंगे, बूटस्ट्रैप क्या होता है, आपको और अच्छे तरीके से कम समय में बिना सीएसएस को यूज किए। ओके, सीएसएस आपको कम यूज करना है। मैनुअली जब आप सीएसएस यूज करेंगे, सीएसएस क्या होता है, कैस्केड स्टाइलिंग, कैस्केड स्टाइल शीट। ओके, तो उसमें क्या होता है, आप जो है चीजों को खुद मैन्युअली डिजाइन करते हैं, कैसा कलर रहेगा, क्या होगा। ओके, उसके अलाइनमेंट वगैरह सारी चीजें देखते हैं। बट बूटस्ट्रैप अगर आप यूज करते हैं तो बूटस्ट्रैप उन सब चीजों को इनबिल्ट अपने पास रखा हुआ है, बहुत सारे प्री डिफाइंड है, इनबिल्ट है, प्री डिफाइंड है, तो आप उनके प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। इट मींस किसी ने यहां पर जो है ये बना करके रखा हुआ है, किसी ने यहां पर बना करके पहले से रखा हुआ है। ओके, बहुत सारे डिजाइन जो है बना करके रखे हैं कि कैसे दिखेगा आपका जो है यू नो बटन्स कैसे दिखेंगे, टेक्स्ट फील्ड कैसे दिखेंगे, किसी ने बना के रखा है। आप उसी चीज को जा करके यूज करते हैं, यहां से ला करके आ करके यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम कम रहेगा। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के बाद, वेब डेवलपमेंट में ज्वाइन करने के बाद, फुल स्टैक जावा डेवलपर की तरह से अगर आप काम कर रहे हैं, आपको अगर यूआई डिजाइन करना पड़ रहा है, आप यूआई बनाने में इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आप घर में बैठे हो, आप आराम से सारी चीजों को सीख रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। बट जब आप कंपनी में जाते हो, आपको वहां पे डेडलाइंस मिलते हैं कि दो दिन के अंदर बना के देना है, तब आप ये शो नहीं करोगे कि मैं खुद बना के दे सकता हूं, देखो मेरा टैलेंट कितना है। आपके पास ये जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि दो दिन के अंदर बना के देना। ओके, सो बहुत अच्छी बात यह है कि ये सारी चीजें बना करके रखी गई है, बस आपको यूज करना होता है, और किस तरीके से यूज करेंगे वो जानने के लिए भी आपको बहुत सारी चीजें जाननी पड़ती है जो हम सीखेंगे। ओके, ठीक है। सो पैकेज मैनेजर हमें मिलता है और सर्वर साइड टेक्नोलॉजी हमें मिलता है, ये दो चीजें हमें मिलती हैं। ओके, तो हम पहला पॉइंट जो हो जाता है, डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे Node.js को। ये कहां से आपको मिलेगा और किस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है मैं दिखाता हूं। ओके, ठीक है, Node.js में चले जाते हैं। आप यहां पे Node.js लिखेंगे तो Node.js का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, वहां से आपको डाउनलोड करना है, कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं है ये। ओके, Node.js पे मैं चला गया। इन सारे चीजों को प्रोसेस वाइज आप फॉलो कीजिए। ओके, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही आपको करना है, कुछ एक्स्ट्रा आप करने की कोशिश मत करना या फिर अलग प्रोसेस फॉलो मत करना, वरना आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। यहां पे देखिए Node.js के जो वेबसाइट है .org में हम पहुंचने के बाद आपको दो चीजें दिखाएंगे, एक होता है LTS। ओके, लॉन्ग टाइम सपोर्ट LTS का मतलब होता है, लाइट मत समझ लेना, लॉन्ग टाइम सपोर्ट। और दूसरा होता है करंट वर्जन, इनका अभी रिलीज हुआ है 19.7.0 या फिर 0। तो ये क्या हो रहा है सर, आपको ये फीचर डाउनलोड नहीं करना है। जो लोग पहले से Node.js यूज कर चुके हैं जिनका अच्छा खासा उनके साथ यू नो फैमिलियर तरीके से Node.js को जानते हैं,
वो इसमें जा सकते हैं ओके। बट आप अगर पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं नोड जेएस के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो आप जाइए 18.14.2 में ओके। सो इसमें आपको जाना है, यहां जाकर के इसको डाउनलोड करना है। ये ज्यादा कुछ नहीं, इसको क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा ओके। डाउनलोड होने के बाद आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इसे क्लिक किया, ये डाउनलोड पे लग जाएगा क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसका डाउनलोड को कैंसिल करता हूं, मुझे दोबारा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है ओके। ये फिर भी लगभग डाउनलोड हो ही चुका है ठीक है। सो ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे और नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल करेंगे। कोई भी एक ऐसा चीज नहीं है जो आप इसको जो है आपको कॉम्प्लिकेटेड नजर आगे। ये बहुत सिंपल है, आपको बहुत इजीली आप इसे इंस्टॉल कर पाएंगे। ये इंस्टॉल हो गया, .msi फाइल हो गया ओके। माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर MSI ओके। इसमें आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेंगे ओके। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। मैं यहां से इसे कैंसिल कर रहा हूं। इतना होने के बाद आप एक प्रोसेस पे आ गए, मतलब आपने क्या किया, आप Node.js इंस्टॉल कर लिए। अब आप वेरीफाई कैसे करेंगे कि Node.js आप इंस्टॉल किए ओके। तो आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आप चले जाइए कमांड प्रॉम्प्ट में। कहां चले जाइए, कमांड प्रॉम्प्ट में। तो मैं यहां से CMD कर देता हूं ओके। CMD यूज करने पर कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा, या फिर आप रन का भी यूज कर सकते हैं ओके। विंडो की प्लस आर करेंगे और वहां पे CMD करेंगे तो भी ये आ जाएगा राइट। तो यहाँ पे आपको विंडोज, ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है, इसके किसी भी जगह पे अगर आपका अच्छे से इंस्टॉल हो गया Node.js, तो आप इस कमांड का यूज करके जान सकते हैं कि Node.js इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। और ये किसी भी जगह पे कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप डी ड्राइव पे आए या सी ड्राइव के रूट में जाए, कुछ नहीं। आपको बस एक कमांड यूज करना होता है, node -v। तो इसमें क्या आ जाएगा सर, 18.13.0। ये फिलहाल मेरे पास इंस्टॉल है। आप 14 के हायर वर्जन ही इंस्टॉल कीजिए ओके। अगर आपके पास 14 से लोअर वर्जन के हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा उसे अपडेट करके आप 18 पे आ जाइए, क्योंकि हम जो काम करने वाले हैं वो हायर वर्जन का होगा और बहुत सारे लेटेस्ट फीचर्स जो है वो हायर वर्जन पे ही काम करेंगे ओके। ठीक है, इसके बाद आपको इंस्टॉल करना होता है Node.js के बाद आपको इंस्टॉल करना होता है इसके जो पैकेज मैनेजर के बारे में, जिसमें मैंने आपको बात किया था, ये पैकेज मैनेजर ओके। तो ये पैकेज मैनेजर, आपको अलग अलग पैकेज मैनेजर मिलेंगे। मैं बहुत सारे मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं जो अवेलेबल है, बट उनको कह करके, उनको बता करके आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। क्योंकि यहां देखिए, जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको यहां पे बोला जाता है ओके, Node.js को इंस्टॉल करने के बाद आपके पास बहुत सारे सजेशंस भी होते हैं कि आप और कौन कौन सी चीजों को जो है डाउनलोड कर सकते हैं ओके। देखिए यहाँ पे Node.js में आप जाने के बाद आप जो पैकेज मैनेजर है उन सब चीज़ों में जा करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा पैकेज मैनेजर आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये विंडोज़ का MSI फाइल हो गया 32/64 bit। यहाँ मैं जाता हूँ तो फिर से एक बार ये डाउनलोड में स्टार्ट हो जाएगा, बट यहाँ पे एक आता था, अभी शायद इन लोगों ने हटा दिया होगा। यहाँ पे एक सजेशन बॉक्स रहता था, या यूं कहिए कि एक लिस्ट रहता था, जहाँ पर कि अलग अलग पैकेज मैनेजर का उन्होंने लिस्ट प्रोवाइड किया था। आप उन पैकेज मैनेजर्स को अगर डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो Node.js के साथ वो काफ़ी अच्छे से कंपैटिबल होता था और चल पाता था ओके। सो वो चीज़ें वो लोग वहाँ पे दिए थे ठीक है। ये एक बार और डाउनलोड पे लग गया। आप ध्यान देना, इन सब चीज़ों को मैं समझाने के पर्पज के लिए ये बार बार करके दिखा रहा हूँ। आप लोग एक बार बस डाउनलोड करना आपके सिस्टम के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे देखिए, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं ओके। और जो है मैक का वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप सोर्स कोड देख सकते हैं कि किस तरीके से बना है, विंडोज इंस्टॉलर के लिए भी है। और ये LTS वर्जन है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन है, लॉन्ग टाइम। और ये करंट फीचर्स जो है, इसके जो नए वर्जन है करंट वाले, उसको आप डाउनलोड मत कीजिएगा, आप ये वाले पे जाइए ओके। ठीक है, इसके बाद हमें क्या डाउनलोड करना है सर, एक बार हमारे पास ऐसी चीजें डाउनलोड हो गई, रेडी हो गई, जो कि हमें क्या दे रहा है, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी दे रहा है और पैकेज मैनेजर दे रहा है। पैकेज मैनेजर क्या होता है, पैकेज मैनेजर को अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप जो प्रोग्राम बनाएंगे, जो वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, जो वेबसाइट बनाएंगे, वहां पे आप सुंदर तरीके से कम समय में बनाना चाहते हैं तो आपको बूटस्ट्रैप यूज करना पड़ेगा ओके। क्या यूज करना पड़ेगा, बूटस्ट्रैप यूज करना पड़ेगा। तो आप अगर पैकेज मैनेजर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है ओके, ये बात को ध्यान से समझे, पैकेज मैनेजर अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है तो आपको बूटस्ट्रैप वेबसाइट को विजिट करना होगा। बूटस्ट्रैप वेबसाइट में आपको बहुत तरीके के लाइब्रेरीज मिलेंगे, उनमें से आपको zip फाइल वगैरह डाउनलोड करना पड़ेगा ओके। zip फाइल वगैरह डाउनलोड करना पड़ेगा, ये होता है बूटस्ट्रैप के फाइल्स वगैरह ओके। ये कैसे काम आता है, क्या आता है, मैं आपको करके दिखाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं। तो आप यहां पे जाएंगे, इनके अलग अलग लाइब्रेरीज को डाउनलोड करेंगे, वो कंप्रेस फाइल में होगा, उसे आप अनकंप्रेस करेंगे और उसमें के अलग अलग फाइल्स को लेकर के अपने
जो जहां पे आपने वेबसाइट बनाया है वहां पे पेस्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, सही तरीके से पाथ वगैरह सेटिंग करेंगे तो जाकर के वो काम आएगा। तो इतने सारे काम करने से अच्छा हमारे पास जो ये चीज है पैकेज मैनेजर, ये वही काम करता है, बूटस्ट्रैप के जो रिक्वायर्ड फाइल्स होते हैं उसको इंस्टॉल करके डाउनलोड करके वो रखता है, ताकि आपको मैन्युअली वो चीजें करनी ना पड़े। क्योंकि मैन्युअली करने से कोई एक प्रोसेस भी अगर आप भूल जाते हैं तो फिर क्या होता है, आपको पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन है अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा। तो पैकेज मैनेजर ऑटोमेटिकली जो है नोड जेएस के साथ आता है। एनपीएम का पैकेज मैनेजर क्या आता है, एनपीएम, ओके, एनपीएम का पैकेज मैनेजर हमारे पास आता है। सो हम क्या यूज कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ हम लोग एनपीएम का पैकेज मैनेजर आ रहा है, या यूं कहिए कि आप जब नोड जेएस डाउनलोड करते हैं तो आपके पास आता है एनपीएम। ओके ठीक है, बहुत सारे अलग अलग मार्केट में है, अवेलेबल है, उनमें से हम यूज कर रहे हैं एनपीएम, और ये काफी ज्यादा रिलायबल है, अच्छा है, और कम टाइम में लाइट वेट है, और बहुत अच्छी चीज है ये एनपीएम पैकेज मैनेजर। ये चीज थ्योरी चीजें नहीं है सर, इसलिए मैं ज्यादा इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। ओके, थ्योरी चीज नहीं है कि मैं कोर जावा का कुछ रूल्स रेगुलेशन आपको समझा दूं, या फिर कोर जावा के कुछ जो गाइडेंस वगैरह है वो सब चीजें दे दूं, वैसा नहीं है। ये एकदम से जो है ये पूरी तरीके से प्रैक्टिकल चीज है, हम जब प्रोग्राम करेंगे आपको समझ में जाएगा कि पैकेज मैनेजर हमारे लिए क्या क्या कर रहा है। ओके ठीक है, इसके बाद हम लोग जाते हैं हमारे दूसरी चीजों की ओर। पहला हमारा हो गया नोड जेएस इंस्टॉल हो गया, हमने चेक कर लिया, कहां चेक किया सर, यहां पे चेक किया। तो यहां पे एक और कमेंट हम लोग दे सकते हैं कि हमारा एनपीएम हुआ है कि नहीं डाउनलोड। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, npm, ओके, पहले तो हम लोग नोड जेएस का जो है वर्जन देखिए, अभी npm का देख सकते हैं। npm का अगर हम देखेंगे, अगर आपके में npm भी इंस्टॉल हुआ है तो वो दिखा देगा कि npm का कौन सा वर्जन इंस्टॉल होकर के है। ओके क्या आया सर, 8.19.3, ये npm का वर्जन है। इट मींस आपके सिस्टम में आप नोड जेएस भी इंस्टॉल कर चुके हैं और NPM सर्वर साइड टेक्नोलॉजी भी इंस्टॉल हो चुका है। ओके, NPM जो पैकेज मैनेजर सॉरी वो भी इंस्टॉल हो चुका है, क्योंकि आप जब नोड इंस्टॉल किया आपको सर्वर साइड टेक्नोलॉजी भी मिला और एक नोड पैकेज मैनेजर भी मिला जो कि NPM का है। ओके, ये चीजें प्रैक्टिकल चीजें हैं, आगे जाकर के देखेंगे। आप जब नोड जेएस इंस्टॉल करोगे ये आपको मिल जाएगा, अलग से आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ओके, इससे लोयर अगर किसी का जो वर्जन है वो उसे अपग्रेड करके लेटेस्ट में कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट में जो फीचर्स है उसको हम यूज करने वाले हैं जो कि इंडस्ट्री में आपको रियल टाइम में काम आएगा। ओके फाइन, तो हमने वो कर लिया। ओके, नोड जेएस इंस्टॉल हो गया, साथ ही साथ इसके साथ साथ हम क्या किए, इंस्टॉल करने के बाद npm also, ओके, इसको भी आप चेक कर लेना। यहां पे मैं आपको कमेंट्स दे देता हूं आपको चेक करने के लिए क्या कमेंट होता है। ओके, टू चेक वेदर इट इज इंस्टॉल और नॉट, टू चेक आपको क्या करना है, दो कमेंट्स देनी है, राइट right? क्या कमेंट है, आप cmd ओपन कीजिए। ओके, ओपन cmd लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, ओपन कमेंट प्रॉम्प्ट, एंड वहां पे आपका अगर कुछ इस तरीके से आता है तो यहां पे आप देना नोड वी। ओके, ये एंटर करना, तो इससे क्या हो जाएगा आपको पता चल जाएगा कि नोड जेएस का कौन सा वर्जन है। उसके साथ ही साथ आपको एक और कमेंट जो है वो यूज करनी है ये जानने के लिए कि npm इंस्टॉल है कि नहीं, npm, ओके, क्या है npm, npm करेंगे और वहां पे हम देंगे वर्जन, तो ये npm का वर्जन जो है जो इंस्टॉल हुआ है वो दिखा देगा। ओके ठीक है, सेकंड पॉइंट में आते हैं। सेकंड पॉइंट में अब हमारा नोड जेएस इंस्टॉल हो चुका, अब हमें डाउनलोड करना है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल एडिटर। ओके, डाउनलोड एंड इंस्टॉल एडिटर क्यों इंस्टॉल करेंगे सर, क्योंकि एडिटर हमें प्रोवाइड करता है आईडीई। क्या देता है सर, एडिटर हमें देता है आईडीई। ओके, इट प्रोवाइड्स ऑन आईडीई। आईडीई का क्या फुल फॉर्म हो जाएगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ओके, क्या होता है, हम लोग ये एनवायरनमेंट ही सेट कर रहे हैं ना, तो ये हमें एक ऐसा इंटीग्रेटेड जो है एनवायरनमेंट देता है डेवलप करने के लिए, जहां पे आपको
कोड लिखने में प्रॉब्लम नहीं होता, आप कोड लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप कोड को राइट कर सकते हैं, ओके उस कोड को आप डिबग कर सकते हैं। डिबग मतलब क्या क्या प्रॉब्लम से ढूंढ सकते हैं, उसके बाद उसे टेस्ट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप उसे लॉन्च भी कर सकते हैं, ओके या यू कहिए लॉन्च की जगह आप डिप्लॉय भी कर सकते हैं, मतलब उसे लाइव ला सकते हैं, ओके क्या कर सकते हैं लाइव ला सकते हैं। बहुत सारे टर्म्स है सर, अलग अलग टर्म्स यूज होते हैं, बट इन सब का मतलब जो है एक रहता है, ठीक है। तो देखते हैं कि अभी हमें कौन से एडिटर को डाउनलोड करना है, ओके कौन से एडिटर को डाउनलोड करना है। तो मैं चला जाता हूं फिर से वेब ब्राउजर की ओर, और एक वेबसाइट है, ओके एक बेसिकली एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो दुनिया के तमाम एडिटर्स का लिस्ट वहां पर रखता है, ओके सो हम वो उस वेबसाइट को विजिट करते हैं। वेबसाइट का नाम है एडिटर्स कन्फिग, क्या है एडिटर्स कन्फिग, ओके ये वेबसाइट बहुत सारे एडिटर्स को जो है लिस्ट करके रखता है, आप किसी भी एडिटर को यूज कर सकते हैं, बट इनमें से उस एडिटर को हम यूज करेंगे जो हमेशा से एक अच्छा एडिटर रहा है, हमेशा से सारे न्यू फीचर्स को सपोर्ट कर रहा है, ओके कम से कम समय में अच्छा रिजल्ट हमें दे रहा है और साथ ही साथ ओके और साथ ही साथ जो है सारे टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है, ओके तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे एडिटर मिलेंगे, ये सारे एडिटर्स हैं, ओके गिटहब का खुद का है, ये सारे एडिटर्स हैं, आपको इंटेलिजेंट जे होता है ये भी बहुत फेमस है, काफ़ी अच्छा है, ओके और एक्लिप्स वगैरह भी है, एक्लिप्स कहाँ दिया है, ओके एक्लिप्स वगैरह भी होगा। सो एक्लिप्स को हम यूज़ करेंगे सर जावा के लिए, ओके जब मैं कोर जावा आपको पढ़ाऊंगा तो बोलूंगा कि एक्लिप्स किस तरीके से इंस्टॉल करना है, कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है, बट अभी हम इसे इंस्टॉल नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, ओके ये होता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट इसे खुद सपोर्ट कर रहा है। और हम जो काम करने वाले हैं, आप जब वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, एक बात मैं आपको बता दूं, वेब एप्लीकेशन डेवलप करने में सबसे ज्यादा यूज होता है जावास्क्रिप्ट का, ओके जावास्क्रिप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन उसी जावास्क्रिप्ट को बेहतर बनाने के लिए एक लैंग्वेज है, ओके उस जावास्क्रिप्ट से एक बेहतर लैंग्वेज है जो कि है टाइपस्क्रिप्ट, और वो टाइपस्क्रिप्ट को खुद माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट कर रहा है और माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट हो गया है विजुअल स्टूडियो कोड। सो विजुअल स्टूडियो कोड इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है टाइपस्क्रिप्ट को और सारे टेक्नोलॉजी को जो कि हमें जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हम विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करेंगे, ओके यहाँ पे देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे एक और विजुअल स्टूडियो होना चाहिए, ओके हाँ ये विजुअल स्टूडियो है, ओके ये अलग है और ये जो विजुअल स्टूडियो है ये अलग है, ये विजुअल स्टूडियो कोड है और वो सिर्फ विजुअल स्टूडियो है, तो आपको विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करेंगे, आप चले जाइए विजुअल स्टूडियो कोड की ओर, ओके और यहाँ पे आप डाउनलोड कर दीजिए विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड, ये सिंपल तरीके से आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, ओके विजुअल स्टूडियो कोड में आप जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद आपको अलग अलग क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पे नजर आएगा, बहुत सारे उनके अलग अलग इंस्टॉलर पैकेज हैं, आप डायरेक्टली MSI फाइल डाउनलोड कीजिए और उसे इंस्टॉल कीजिए, कोई ज़िप फाइल वगैरह डाउनलोड मत करना वरना फिर से आपको जाकर के जो है उसको अनजिप करके करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास दिया गया है इसे इंस्टॉल करके, बस वही प्रोसेस नेक्स्ट 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 एंड इंस्टॉल, ओके कोई नया चीज नहीं है, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है डाउनलोड एंड इंस्टॉल। मैं इसे क्यों स्किप कर रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल हैं, तो मैं इसे डाउनलोड करके फिर से इंस्टॉल करूं टाइम टेकिंग है, और कोई एक पॉइंट भी यहां कॉम्प्लिकेशंस नहीं है जिसके वजह से मैं आपको बोलूं कि आप इंस्टॉल मत करना या मैं करके दिखाऊं, अगर होता तो मैं आपको रोकता, मैं कहां आपको रोकाऊं, मैंने डेटाबेस में आपको रोका है, मैंने Oracle 19c को आपको इंस्टॉल करने के लिए मना किया है, राइट जब मैं करके दिखाऊंगा तभी करना बोला हूं, क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो एक हैवी सॉफ्टवेयर है जो कि परमानेंटली स्टोर होता है आपके सिस्टम में, तो उसका ध्यान रखना जरूरी है। ये लाइट वेटेड सॉफ्टवेयर है जिसको आप इंस्टॉल ऑन इंस्टॉल इंस्टॉल ऑन इंस्टॉल हजार बार करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट डेटाबेस में थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो फर्क करता है, हमारे सिस्टम में भी उसका फर्क पड़ता है, तो इसलिए उसके साथ हमको छेड़खानी नहीं करनी, ओके ठीक है। हम क्या किए सर, हम Node.js इंस्टॉल कर लिए जहां पे हमें एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी मिला, साथ ही साथ NPM भी मिला। अभी हम डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लिए किसे, एडिटर को, एडिटर मतलब कौन सा हो गया, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं VS कोड, ओके क्या यूज कर रहे हैं, VS कोड यूज कर रहे हैं, राइट ठीक है विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड का मतलब ये क्या है, एक IDE है जो हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है, ओके ठीक है। इतना होने के बाद हमारे पास अब काम आता है कि हम कुछ ऐसी चीजें भी इंस्टॉल करें किसके अंदर, हमारे VS कोड के अंदर जाकर के, जो हमारा काम को और भी ज्यादा आसान करे, ओके हमारे काम को और भी ज्यादा आसान करे, तो उसे हम बोलते हैं प्लगइन्स। क्या होता है प्लगइन्स, डाउनलोड प्लगइन्स, या प्लगइन्स को आप एक्सटेंशन भी कह सकते हैं, एक्सटेंशंस, ओके ये आपके काम को जो है बहुत ज्यादा आसान करेगा। प्लगइन्स फॉर लिख देते हैं कंप्लीटली यहां VS
कोड। ओके ठीक है, कौन कौन से प्लगइन्स हमको यूज करने हैं सर देखते हैं। ओके तो मैं अपने वीएस कोड को लॉन्च कर रहा हूं, ये मेरा वीएस कोड है। अगर आप न्यूली इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पास में कहीं नजर आना चाहिए वीएस कोड। ओके मैं काफी पुराने तरीके से यूज कर रहा हूं तो ये यहाँ नजर नहीं आ रहा है, बट एनीवे मैं आपको दिखा देता हूँ वीएस। ओके वीएस लिखते ही वहां पे वीएस कोड जो है आ जाएगा। ओके 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 विजुअल स्टूडियो कोड का ये आ गया, विजुअल स्टूडियो कोड वीएस कोड विजुअल स्टूडियो कोड, इसे मैं लॉन्च करता हूं। इसके अंदर जब हम एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे तो फायदा ये होगा कि आपके काम बहुत सारे आसान हो जाएंगे। ओके इसको करने का जरूरत क्या है, करने की जरूरत यह है क्योंकि आपके पास बहुत सारे अलग अलग फाइल्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग फाइल्स होते हैं। जावा फाइल एक होगा, ओके आपके पास HTML फाइल होगा, CSS फाइल होगा, आपके पास TypeScript फाइल होगा। ओके बहुत सारे फाइल्स होते हैं तो उनको आपको समझने के लिए अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ेगी। ओके अलग अलग तरीके की जो ना एक्सटेंशन को देख करके पहचानना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए जैसे जावा जो HTML फाइल है वो ऑरेंज कलर में नजर आ रहा है, राइट। और यहाँ पे जो TS फाइल है मतलब TypeScript फाइल है, ये कैसे दिख रहा है, ये आपको नजर आ रहा है TS बोल के। तो ये आप TS देख के ही समझ सकते हो, आपको एक्सटेंशन में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जब बहुत सारे फाइल्स को ओपन करेंगे तो बस उनका हल्का हल्का सा ही पार्ट नजर आएगा, उतना में आपको आइडेंटिफाई करना होता है। ओके तो मैं इसे पूरी तरीके से नए वाले फेज में ले आता हूं ताकि आपको जो है समझ में आ जाए। ओके तो आप जब इंस्टॉल करेंगे तो आपको न्यूली जब आप इंस्टॉल करेंगे तब आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा पूरी तरीके से नया जो रहेगा। ओके ओके आ चुका था एनीवे। वीएस कोड एक एडिटर है, ओके वो हमें बहुत सारे फैसिलिटी दे रहा है, बहुत सारे यू नो अलग अलग फैसिलिटी दे रहा है हमें। वहां पे कुछ प्लगइन्स हम डाउनलोड करना चाहते हैं ताकि हमारा काम और भी आसान हो जाए, उसके बाद हम लोग जाएंगे हमारे वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की ओर। ये पूरा का पूरा आपका सेटअप जब कंप्लीट हो जाएगा आप यू नो मुझे बताइएगा, क्योंकि ये बताने की जरूरत नहीं है, आप ये सेटअप कंप्लीट कर लीजिए आज ही ताकि आप जो नेक्स्ट सेशन जो मैं पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट सेशन में पूरा का पूरा हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं उसमें आप भी रियल टाइम में यूज कर पाए। ओके आपको जो जो चीजें मैं पढ़ाते जाऊंगा आप उसे कवर कर पाए, ठीक है। तो आप जैसे ही इंस्टॉल करेंगे आप किसी भी फाइल का यूज नहीं किया या कुछ आप अगर नहीं बनाए हैं अभी तक तो आपको ये सारी चीजें नजर आएंगी। ओके ये रिसेंटली आपको जो है ये नजर नहीं आएगा क्योंकि मैंने बहुत सारे काम किए हैं तो ये यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट आपका ब्लैंक रहेगा, बाकी जैसा इंटरफेस है सेम के सेम रहेगा। ओके तो यहाँ पे देखिए ये एक आपको चीज नजर आ रहा है, ये होता है एक्सटेंशन। क्या होता है एक्सटेंशन, यहाँ पर हमें अभी काम है। ओके बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे टूल्स हैं, इसको अभी ध्यान नहीं देंगे, धीरे धीरे मैं समझाऊंगा क्या है, फिलहाल हमारा काम है एक्सटेंशन पे। तो मैं एक्सटेंशन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन है सर जो आपको डाउनलोड करने हैं। ओके ठीक है तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे एक्सटेंशन का नाम आपको मिल जाएगा, एक होता है लाइव सर्वर, एक होता है लाइव सर्वर। ओके लाइव सर्वर का मतलब क्या हो गया मैंने आपको कहा था कि हम कभी एक जगह पे रन करके दूसरे जगह पे कंपाइल करना, तीसरे जगह पे उसे सेव करना, चौथे जगह पे उसका जो है आउटपुट देखना, ये सब नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसी एक जगह पे इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का जो ये एनवायरमेंट है यहां पर ही हमें सारी चीजें मिलेंगी। यहां पे देखिए ये आपको जो बार नजर आ रहा है नीचे गो लाइव का, ये आपको नजर नहीं आएगा आपके स्टार्टिंग में जब तक आप इंस्टॉल ना कर लो। मैंने क्योंकि इंस्टॉल किया है इसलिए आपको जो है इसमें ये वाले सॉफ्टवेयर में नजर आ रहा है। ओके लाइव सर्वर तो यहाँ पे क्योंकि ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, ओके आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता इसको डाउनलोड करने के लिए, आपको कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये ओपन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बहुत सारे चीजें सिमिलर चीजें आपको शो करेंगी, आपको खुद को जानना होगा, अपना कॉमन सेंस यूज करना होगा कि हमें कौन सा एप्लीकेशन यूज करना है। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर आप प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पे आप जाने के बाद वहां पे किसी एक एप्लीकेशन को आप सर्च करते हैं तो उसी के रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि उनमें से कौन सा जो है रिलायबल है या फिर ट्रस्टवर्थी है या जो ऑफिशियल है, आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आप वहां पे कॉमन सेंस यूज करते हैं, आप देखते हैं कि उनको कितना रेटिंग्स मिला है, राइट, कितना रेटिंग्स मिलता है, कितने लोगों ने डाउनलोड किया है, यूज किया है, उसी हिसाब से आप इंस्टॉल करते हैं। तो ये लाइव सर्वर जो है, ओके इसे आप इंस्टॉल कर लेना। ओके ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो यहाँ पे शो हो रहा है, पहला होता है, आपको पता चल जाएगा। अगर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं तो भी पता चल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक सिमिलर आइटम आपको नजर आ रहा है, बट
दोनों में फर्क है, कहीं ना कहीं आपको फर्क नजर आएगा। लाइव सर्वर जो है ये वाला होता है, ओके, यहाँ पे आप उनके फाउंडर या फिर जो प्रोवाइडर है उनके नाम भी देख सकते हैं। इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है और इसी चीजों को ही आपको इंस्टॉल करना है, ओके। तो पहला क्या होता है, लाइव सर्वर। दूसरा हम लोग जाएंगे वीएस कोड, वीएस कोड आईकॉन्स। क्या है? वीएस कोड आईकॉन्स, ठीक है। ये मैंने इंस्टॉल किया वीएस कोड आईकॉन्स। ये क्यों इंस्टॉल करना है? पहला वाला सर कंपलसरी है, ये मैंडेटरी आपको करना पड़ेगा, लाइव सर्वर आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। बट वीएस कोड आईकॉन्स जो है ये आपके लिए यू नो एक तरीके से एक ऑप्शन है, आप चाहो तो करो, नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट करना रिकमेंडेड है, ओके। क्यों? ये देखिए यहाँ पे वेरीफाइड है, एक ब्लू टिक भी है, ये वीएस कोड आइकॉन जो है वीएस कोड के आइकॉन टीम वालों के तरफ से ये प्रोवाइडेड है, ओके। तो ये पूरी तरीके से ऑफिशियल भी है और इसको यूज करने से जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए, ओके, यहाँ पे देखिए इसका फीचर क्या होता है, ये किस काम आता है, ओके, शायद इन्होंने रिमूव कर दिया। यहाँ पे एक यू नो डेमो सा या एक टेम्पलेट होता है, नहीं होगा यहाँ पे। ये काम क्या करता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये काम ये करता है कि आपके अलग अलग जो आइकॉन्स होते हैं ना या फिर अलग अलग फाइल्स होते हैं उनको अलग अलग आइकॉन्स के जरिए दिखाता है। इट मींस एक HTML का फाइल होगा तो HTML का लोगो दिखाएगा, TS का फाइल होगा या फिर TypeScript का फाइल होगा तो TS तो करेगा। तो उससे आप देख करके पता लगा सकते हैं कि ये कौन से फाइल पे मैं काम कर रहा हूँ, ओके। आपको वो एक्सटेंशन पे जा करके चेक नहीं करना होता, क्योंकि स्टार्टिंग में हम एक या दो फाइल में काम करेंगे, बट जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे फाइल्स को जो है इंटीग्रेटेड करके काम करना होता है, मतलब जोड़ के काम करना होता है, ओके। तो तब ये बहुत काम आता है, तो ये आप इसे भी इंस्टॉल कर ही लीजिए, ओके, बहुत अच्छी चीज है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं और इंटेल, ओके, INTELLISEN, ओके, इंटेलिजेंस फॉर CSS क्लास नेम फाइल, ये जो होता है ये वाला, ओके। क्या लिखा गया यहां पे? इंटेलिजेंस फॉर CSS क्लास नेम्स इन HTML। ये जो नाम है थोड़ा लॉन्ग है, बट आप इसे स्टार्टिंग के एक दो नाम ही एंटर करेंगे तो आ जाएगा, ओके। ये देखिए इसको रेटिंग मिला है, ये भी ठीक ठाक है, इतने लोगों ने यूज हुआ। ये किस काम आता है सर? ओके, अच्छा मैं इसी चीज को ढूंढ रहा था। यहाँ पे देखिए इन्होंने फीचर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या होता है, अगर आप कुछ लिखते हैं तो वो सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे आप कंप्लीट नहीं लिखे हैं मगर वो सजेस्ट कर रहा है नीचे, देखिए कि आपको क्या यूज करना है। इसमें आपका टाइम बचता है, ओके। बहुत से लोग कहेंगे कि ऐसे में तो हमारा खुद का जो है इंटेलिजेंस कम काम आएगा, ओके, ऐसी बात नहीं है। आप जब हैबिट हो जाएंगे इन सब चीजों को प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कॉन्सेप्ट क्या है और आप यूज कर सकते हैं। आपको डायनामिक वे में सीखना है, आप फिर इतने ही ज्यादा आपको इंटेलिजेंस पे खुद के या शार्प करनी है तो आप फिर वो IQ बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं। बट आप इसी चीज में अगर काम करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो कम से कम समय में क्वालिटी जो है आपको कंटेंट देना होगा, क्वालिटी तरीके से सारी चीजों को बनानी होगी, तो आप इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो ये हो गया इंटेलिजेंस और CSS क्लास नेम्स एंड HTML, ये करना। तो आपको आधा आधा आप जो है लिखे होंगे या कंप्लीट सेंटेंस नहीं हुआ होगा तो सजेशन देगा और आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। तो ये जो चीजें होती हैं, ये सारी चीजें आपको इंस्टॉल करके रखनी है। पहले में आ जाता है क्या, लाइव सर्वर आपको इंस्टॉल करना है। ये आपको लाइव अपने आपके जो प्रोग्राम है उसको लाइव रन करने में काम आएगा, लाइव सर्वर। सेकेंड में आप क्या यूज किए, वीएस कोड का जो था आइकॉन्स, वीएस कोड आइकॉन्स। थर्ड में आपने क्या यूज किया या इंस्टॉल किया, इंटेलिजेंस फॉर CSS नेम्स इन HTML, ऐसा कुछ नाम था, ओके, ये आप इतना लिखेंगे तो आ जाएगा। तो इतना कुछ करने के बाद आपका जो है एनवायरमेंट कंप्लीट तरीके से सेटअप हो चुका है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप Node.js को इंस्टॉल करेंगे, प्रोसेस मैंने बता दिया, उसके अंदर आपको NPM भी मिल जाएगा, आप ये कमेंट्स का यूज करके चेक कर सकते हैं। आप एक इंस्टॉलर जो एडिटर है उसे यूज करेंगे, VS Code हमको यूज करना है। ये क्या है, ये एक IDE देगा हमें, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट देगा, जिसके अंदर हम प्रोग्राम राइट कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं, उसे टेस्ट कर सकते हैं, उसे लॉन्च कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, लाइव जा सकते हैं, ओके। साथ ही साथ यहाँ पे हमें डाउनलोड और इंस्टॉल करने हैं कुछ प्लगइन्स, जो कि मैंने बताया लाइव सर्वर ये काम आएगा चीजों को लाइव जो है उसे रन करने में, और वीएस कोड आइकॉन्स आपको इजीली अलग अलग फाइल्स को आइडेंटिफाई करने में इजीली मदद करेगा, और इंटेलिजेंस का जो है ये आपके सेंटेंस को कंप्लीट होने से पहले ही आपको सजेशंस दे देगा कि आप इन सब चीजों को, ये जो लिस्ट में है इसे यूज कर सकते हैं, आप बस एंटर करते जाएंगे और वो चीजें
इंस्टॉल हो जाएंगे या वो संडेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। इससे आपका टाइम भी बचेगा और बहुत सारे सजेशन आते रहेंगे। अगर आप किसी चीज को भूल गए हैं, आधा अधूरा याद है, तो आप आधा लिखने पर भी वो आपको सजेशन कर देगा कि ये चीज इसके ऑप्शंस में आ रहा है, तब आप वो रिकॉल कर सकते हैं, आप उसे समझ सकते हैं, राइट। तो ये आपके इंटेलिजेंस को कम करने के लिए नहीं है, बल्कि आपके टाइम को बचाने के लिए है और कम समय में ज्यादा कोड करने का जो कैपेसिटी होता है उसे एनहेंस करने के लिए है। ओके, तो इन सब चीजों को आप इंस्टॉल करके सेटअप कर लीजिए एनवायरमेंट। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग जाएंगे डायरेक्टली वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की ओर। ओके, सो आज था ये सेशन में इतनी सारी चीजें हम लोग सीखी। जो पहली बार देख रहे हैं, जाकर के इससे पहले सेशन जो है वो कवर कीजिए, और साथ ही साथ डेटाबेस का सेशन चल रहा है, डेटाबेस को भी ध्यान से देखिए। ओके, कल पूरा का पूरा जो डेटा टाइप्स है ओरेकल डेटाबेस में, कितने डेटा टाइप्स है, किस तरीके से यूज करेंगे, एक वीडियो में कल मैंने उसे कवर किया एक सेशन में। ओके, तो वो जाकर के आप देख सकते हैं। साथ ही साथ कोर जावा चल रहा है और ये HTML का चल रहा है। ओके, सारे लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ये मटेरियल जो मैंने यहाँ यूज किया है ये भी आपको लिंक में मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे, एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।